नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं INS विक्रांत की खासियत के बारे में। PM मोदी ने दी देश को INS विक्रांत के रूप में बड़ी सौगात। देश को मिला पहला स्वदेशी INS विक्रांत। इसके निर्माण में लगे हैं 13 साल। समंदर में चलता फिरता शहर है INS विक्रांत। फ्लाइंग जेट भी 2 फुटबॉल फील्ड से बड़ा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ INS विक्रांत। 45,000 टन है इस पोत का वजन। इसमें है 16 बेड का अस्पताल। इसमें 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। इस पोत से 30 विमान हो सकते हैं संचालित। 2 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है इसका फ्लाइंग डेक। भारत देश अब सैन्य क्षेत्र में और भी शक्तिशाली हो गया है। देश को पहला स्वदेशी INS विक्रांत मिल गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सितंबर 2022 को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंपा है। ये भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नेवी के नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद थे। दरअसल इस पोत का नाम INS विक्रांत भारतीय नौसेना के पूर्ववर्ती पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया है। INS विक्रांत पर विमान उतारने का परीक्षण नवंबर में शुरू होगा, जो 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। 31 जनवरी 1997 को नेवी से INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से INS विक्रांत का पुनर्जन्म हो रहा है। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमान से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलाना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरबेस में लगाया गया स्टील भी स्वदेशी है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है। ये एक ताकत है, इसकी अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये पोत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीकी से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। INS विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है। इसमें 15 जेट, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पूल भी INS विक्रांत के हर एक भाग की अपनी खूबी है। ये एयरक्राफ्ट स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। INS विक्रांत की कीमत 20,000 करोड़ है। इसका वजन 40,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई 62 मीटर है। INS विक्रांत की कुल केबल बिछाने की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो कि कोची और दिल्ली के बीच की दूरी के बराबर है। विमान वाहक पोत के 2,300 डिब्बों में 1,700 नाविकों के लिए जगह है। साथ ही साथ महिला अधिकारी के लिए विशेष कैबिन भी है। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 40,000 और इससे ज्यादा वजन वाले विमान वाहक जहाज का निर्माण करने की क्षमता है। INS विक्रांत से 32 बराक, 8 मिसाइलें दागी जा सकेंगी। विक्रांत 20 मीग, 29 लड़ाकू विमान और 10 हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। 2017 में INS विक्रांत के रिटायर होने के बाद
भारत के पास केवल एक विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य, जो वहीं INS विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिसमें 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। तो वहीं इस पर 30 फाइटर जेट्स भी तैनात किए गए हैं। इसमें MiG-29 के Kamov-31 और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस साल नवंबर के महीने से MiG-29 के ब्लैक पैंथर पर तैनात होने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।